नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। मैं तुम्हारे पिताजी को ये बताने आया था निशा कि जेकब और उसके आदमी उनके बैंक पर डाका डालने वाले हैं। कल रात मैंने राणा और जेकब को बात करते हुए सुना था। हाँ निशा, फोन उठाओ वरना किसी को शक हो जाएगा। लेकिन हाँ या ना के सिवा कुछ मत बोलना वरना गोली मार दूंगा। हेलो, मैनेजर साहब, मैं इंस्पेक्टर राज बोल रहा हूँ। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं, आपकी बेटी सही सलामत है। डैडी, मैं ठीक हूँ डैडी। मैनेजर साहब, मुझे सब पता है कि इस वक्त बैंक में क्या हो रहा है। हाँ, एक आदमी लॉकर के अंदर से पैसे इकट्ठा कर चुका है। नहीं, ठीक है, आप सिर्फ हाँ या ना कहते जाइए, मैं दो मिनट के अंदर बैंक पहुंच रहा हूं। ओके, ठीक है। नो नो नो, हाँ यस, जल्दी करो मेरा गोली मार दूंगा। नो नो, यस यस, नो, शट अप यू बास्टर्ड। हे, आप मेरे आखिरी सबूत हैं मैनेजर साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी सूरत और तुम्हारे करतूत दुनिया को दिखाने आया हूँ। मतलब तुमने हमसे झूठ बोला था? झूठ से झूठ बोलना दुनिया का सबसे बड़ा सच है जेकब। मुझे धोखा देना चाहता है, ये कभी नहीं होगा। मुझे धोखा देकर सारा माल हड़प करना चाहता है। बद न बोले जेर गर्दूं गर कोई मेरी सुने, है ये गुंबद की सदा जैसी कहे वैसी सुने। हाँ
उधर हो रहा है, उधर हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, मोहब्बत का कुछ कुछ असर हो रहा है, मोहब्बत का कुछ कुछ असर हो रहा है। Thank you.
मुझे मालूम है राज कि तुमने किस तरह इंतजार की घड़ियां गुजारी होंगी, पर मैं भी क्या करती। कमबख्त मेटन और प्रिंसिपल हम दोनों के प्यार के बीच दीवार बन के खड़े हैं। मुझे माफ कर दो राज, प्लीज मुझे माफ कर दो। I love you. क्या हो गया आपको? मैटरन का ऑर्डर है कि आपको बाहर नहीं जाने दे देता। जाने दीजिए ना प्लीज। चलो सोचो जाके, चलो। आप मुझे क्या रिश्वत दे रही हैं? मैं रिश्वत नहीं लेता। चलो प्लीज चलो, चलो एक मिनट, चलो चलो जाओ। कहाँ समझे, शर्मानी चाहिए तुम्हें ऐसी हरकत पर। मुझे देखो, मैं 20 साल से इस कुर्सी पर बैठा हूं, कभी किसी लड़की ने मेरे बारे में कंप्लेन की? अगर तुमने उस लड़की से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हॉस्टल से निकाल दूंगा। सर सिर्फ आखिरी बार मुझे मिलने की इजाजत दे दीजिए, फिर मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। कल उसका जन्मदिन है सर। जन्मदिन है जी? अगर तुम उसके जन्मदिन पर मिलने गए तो मैं तुम्हारा मरण दिन बना दूंगा। जी हाँ। आई से वो चले आ रहे हैं ऐसे मुंह लटकाए हुए, ऐसा लगता है जैसे दिल में कुछ छुपाए हुए। अरे अब क्या करेगा यार। अरे राज तुमने जो पैसे दिए थे मैं रति के लिए हार ले आया, अब उसको तो पहना नहीं सकता, इसको ही पहना दे। देखा है तू, घड़ी घड़ी मत छेड़ा कर मुझे। हाँ। अबे चुप, मैं अपनी उलझन में फंसा हुआ हूँ और तुम लोग लफड़ा कर रहे हो। मैं उसे ये हार पहना कर ही छोड़ूंगा। अरे जा जा, तू क्या पहनाएगा उसे? अरे मैं उसे ये हार ही नहीं पहनाऊंगा, उसका प्यार भी लाऊंगा। लगी सोसो की? हाँ लगी सोसो की। अरे तू इतनी जलील हरकत करेगा? जलील हरकत? सलील मिया, गीता भाई, तुम्हारी उभरती हुई जवानी को देखकर एक शेर अर्ज करता हूँ। धोती ने कहा पैजामे से, हम दोनों बने हैं धागे से। है फर्क अगर तो बस इतना, मैं पीछे खुलूं तू आगे से। ए, तू तुझा पजामा संभाल, ये ले पकड़ बैंगन और लड़कियों को भुर्ता बना। अरे अरे मेरा हाथ छोड़। अल्लाह हौल बिला कुवत, तुम्हारी जवानी और मेरी शायरी के बीच में ये सड़ा हुआ बैंगन कहां से आ गया? दूसरा शेर बोलाता हूँ, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, चुल्फों को रुख पे डाल के बोले कि इस तरह। ओहो मोहतरमा, आपको ये हमारा शेर कैसे याद हो गया? अजी सारा जमाना आपकी शायरी का दीवाना है और मैं आपकी दीवानी। दीवानी? या अल्लाह, सुन रही हैं आप, हमारे लिए एक और दीवानी पैदा हो गई। जा रे, तू तुझा दीवानी ना संभाल, माँ जनता खोटी मत कर, चल थोड़ी इधर से। सुनिए आइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुरादाबाद के पास एक गांव है कन्याकुमारी, मैं वहाँ के रहने वाला हूँ। हाय अल्लाह, मैं भी आपके वतन की हूँ। क्या आपकी कदमों में मुझे थोड़ी सी जगह मिल सकती है? आप कदमों की बात कर रही हैं? मेरा जिस्म आपके लिए 24 घंटे हाजिर है। हाय अल्लाह, मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। ये आप क्या कर रही हैं? अगर पुलिस वाले ने देख लिया तो जलील को जेल हो जाएगी। यहाँ नहीं, वहां चलते हैं, मेरे बाबरची खाने में। मेरी मीनू मुमताज, तुम्हारे लिए सेवैयां बनाकर लाया हूँ। नवाब वाजिद अली शाह के घराने की हैं। हाय हाय, खुदा के लिए अपने चेहरे से ये डेढ़ गज लंबा नकाब तो हटाइए। हाय हाय, हम दीदारे यार के लिए बहुत परेशान बैठे हैं। आहा, अभी नहीं, पहले शादी हो जाने दीजिए, नकाब भी हटा देंगे, पुरखा भी हटा देंगे, जो आप कहेंगे वो हटा देंगे। अगर किसी ने देख लिया तो? देखने दो, मैंने इसका भी इंतजाम कर लिया है। ओह 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 ओह
हे जलील, जलील, डोर खोलो मैं। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? खोलो, जल्दी। कमाल है, खोलो जल्दी। क्या करता है तू? सुनो, नीचे चल जाओ यहाँ। जल्दी करो। अरे यहाँ नहीं, अरे यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। नीचे घुसो। देखते तुम्हारे बाप ने तुमको इतना लंबा पैदा किया। क्या करूँ मैं? अरे यहाँ आओ। सुनो, बाहर घुसकर खाना है। तुम जाके बाहर चल जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। मेरा इंतजार करना, मैं आता हूँ, आता हूँ। दरवाजा खोलो मैन। तुम क्या करते हैं अंदर? मैं अंदर खिचड़ी पकाता हूँ। बॉस दोस्त, तुम कैसा खिचड़ी पकाता है? जो सब लोग पकाते हैं, तुम भी पकाती हो? फस गया, फस गया। इतना टाइम क्या करता था? नहीं नहीं, मैं ये कर रहा था। क्या? नहीं नहीं, मैं ये कर रहा था। इधर है, क्या करता है? हमको मालूम, तुम किचन का सामान चोरी करके बाहर पार्सल करता है। पार्सल? हाँ हाँ, मैं मुमताज महल को तोहफा दे रहा था। What? नहीं नहीं, मैं बैंगन फ्राई कर रहा था। हाँ? नहीं नहीं, मैं कपड़े फ्राई कर रहा था। नहीं नहीं, मैं कपड़े बदली कर रहा था। बदली? तुम क्या लड़की है, कपड़ा बदली करने को इतना टाइम लगाता है? तो कितना टाइम लगाऊं? चुप! Oh! इडियट! फिर इतना टाइम लगा तो तुमको हॉस्टल से डिसमिस कर देगा। समझा? हाँ, समझा समझा। जी कौन है जी? अनिल मियां की। चलो बाहर आओ, बुरके में यहाँ क्या कर रही हो? चलो बाहर देखो, लड़कियाँ ही कौन आई हूँ मैंने। लड़की देखो, देखो देखो, जल्दी आओ। लड़कियाँ देखो, लड़की को लड़कियाँ सहेलियाँ और लड़कियाँ देखो, कौन है ये जरा मेरे में? जी मैं जलील मियां की। अच्छा, जलील मियां की बेगम है? नहीं नहीं, वो हमें जबरदस्ती बेगम बनाना चाहते हैं। उसकी ये मजाक, हमारे होते हुए वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हें खैरियत से घर पहुंचा देंगे। ऐसी चिकनी सूरत पर ये काला दाग, चलिए नहा धो लीजिए। उतारो और नहा लो। लड़कियों के सामने कपड़े उतारते शर्म आती है क्या? चलिए चलिए उतारिए। हम जान दे देंगे, ये कपड़े नहीं उतारेंगे। Yeah.
लाज, जन्मदिन के तोहफा देने के लिए तुम्हें इतना नाटक करना पड़ा? मेरी जान, मोहब्बत के लिए मैं नाटक तो क्या, फिल्म भी बना सकता हूँ। हैप्पी बर्थडे राती। थैंक यू। जिसमें तुम मेरी हीरोइन होगी और मैं तुम्हारा हीरो। चलो अपनी बर्थडे की खुशी में एक बीड़ी सी किसी को दे दो। पप्पी छी। मेरी जान, मेरी सुल्ताना, इतना बड़ा गुसल खाना, कल यहाँ फिर आना, हम गाएंगे प्यार का तराना। जलील, जो जलील, अरे क्या करता है, अरे क्या करता है, हम तुम्हारा रिपोर्ट करेगा, तुम्हारा ये हिम्मत, you are dismissed। नहीं मैं साहब, मैं तो सिर्फ ख्वाब देख रहा था, ख्वाब। तुम डेम ड्रीम देखते हैं, निकल जाओ। मैं कहाँ जाऊँगा? किधर भी जाओ, अलीबाग जाओ, अलीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ जाओ, क्या जाओ? बस दादी माँ, इम्तिहान खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी की तमन्ना जरूर पूरी करूंगा। जैसे तुम्हारे खानदान में आज तक सभी पुलिस ऑफिसर ही होते आए हैं, मैं भी जरूर पुलिस ऑफिसर ही बनूंगा। एक सच्चा ईमानदार पुलिस ऑफिसर, अपने बाप की तरह नहीं, जिसके बदनामी के शब्द आज तक मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। मैंने दिल से तो अपने बाप का नाम निकाल कर फेंक दिया है, मगर दुख इस बात का है कि मेरे सर्टिफिकेट पर मेरे बाप का नाम लिखा जाएगा, जिसे मिटाना मेरे बस की बात नहीं। खैर दादी माँ, मैं भी कभी कभी जज्बात में बह जाता हूँ। मैं बहुत जल्द आऊंगा और तुम्हारे दामन को खुशियों से भर दूंगा। तुम्हारा बेटा पोता राज। साल से जिस चिंगारी को मैंने सीने में दबा रखा था, वही चिंगारी अब शोला बनकर आ रही है। अब होगा मेरा फैसला। राज, इतनी जल्दी कॉलेज के खूबसूरत साल गुजर गए, ऐसे लग रहा है जैसे 4 साल नहीं 4 हफ्ते गुजर गए और हम वापस घर जा रहे हैं। राज, तुम चुप क्यों हो? थोड़े ही दिनों में हम बिछड़ जाएंगे, इस बात का दुख नहीं होगा? बोलो ना राज। रति, कुछ लोग खामोश होकर ही दुख का इजहार करते हैं। छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बता, डैडी से कब मिलने आ रहे हो? डैडी से मैं जरूर मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे दादी माँ का सपना पूरा करना है। और हमारे सपने का क्या होगा?
जरा मेरी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें एक हसीन सपना नजर आएगा। क्या कर रहे हो? पता नहीं अब हम कब मिलेंगे, उससे पहले जरा मोहब्बत का कोटा पूरा कर लेने दो। दादी। अरे बेटा तू, अजीब बात है, खबर भी नहीं ली। दादी मैंने सोचा आपको एक सरप्राइज दे दूं। कैसी है मेरी दादी? बेटा इस पुलिस ट्रेनिंग फॉर्म पे दस्तखत कर दे। दादी माँ मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए हम दोनों बिछड़ जाएंगे रति, पुलिस ट्रेनिंग पूरी करनी है, लेकिन हमारा प्यार इन रोशनियों की तरह जगमगाता रहेगा। I love you, रति। इन रोशनियों से भी बढ़कर तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी में एक रोशनी बनकर आ गई है। मैं अपने डैडी के घर भी छोड़ सकती हूँ तुम्हारे लिए। डैडी का घर छोड़ने की जरूरत नहीं रति, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह फिराज। आप खुश हो जाएंगे दादी, बिल्कुल आपकी तरह बहादुर है। उसे कोई शर्त लगाओ तो दुनिया का कोई भी मुश्किल काम आसानी से करके दिखा देगा। अच्छा, कमाल का लड़का है राज। हमारी बेटी जिसे आज तक कोई लड़का पसंद नहीं आता था, अगर उसने राज नाम के लड़के को पसंद किया है तो जरूरी कमाल का। डैडी राज आ गए हैं। अरे आओ आओ राज, वेलकम वेलकम माय बॉय। वाह कमाल, स्मार्ट हैंडसम। आओ। थैंक यू। सोडा और वाटर? सर मैं पीता नहीं। गुड, बैठो बैठो। रति तुम्हारी बहादुरी की इतनी तारीफ कर रही थी कि अगर तुम थोड़ी देर और ना आते तो हम लोग चल के तुम्हारे घर आ रहे। क्यों बेटी? रति कह रही थी तुम पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, मिलिट्री की तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं गया? सर हा? मेरी दादी की बरसों की तमन्ना थी कि मैं पुलिस अफसर ही बनूं। इसका मतलब है तुम्हारे खानदान में और भी पुलिस अफसर हैं? है नहीं सर, थे। मेरे दादा परदादा सब पुलिस अफसर थे सर। और तुम्हारे पिताजी? क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? जी जी रति एक ग्लास पानी। अभी लाई। तुमने अपने पिताजी का नाम नहीं बताया। जी आनंद सक्सेना। आनंद सक्सेना? इंस्पेक्टर आनंद आर सक्सेना? जी हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूं। तो तुम एक कातिल और रिश्वतखोर के बेटे होकर मेजर वर्मा से उसकी बेटी का हाथ मांगने आए हो? लेकिन मुझे उस तराजू में क्यों तोल रहे हैं सर, जिसके दूसरे पलड़े में मेरे बाप की बुराइयां रखी हुई है? क्योंकि तुम उसका खून हो, गंदा खून। तुम भी वर्दी पहन के वही करोगे जो तुम्हारे बाप ने किया था। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता मेजर साहब, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मुझे अपने बाप के नाम से नफरत है। काश मेरे पास ऐसी कोई कैंची होती कि दुनिया के रिश्तों के किताबों से मैं अपने बाप का नाम काट के फेंक देता। जब तुम्हारे बाप का नाम कट नहीं सकता तो वर्मा खानदान से तुम्हारा रिश्ता ढूंढ नहीं सकता। वर्मा साहब आप मेरे बाप के किए की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? सजा तो तुम्हारे सारे खानदान को मिलनी चाहिए। मेजर आप मेरे बाप को जो भी कहना चाहें कह लीजिए, लेकिन मेरे खानदान के किसी बुजुर्ग पर उंगली उठाई तो अच्छा नहीं होगा। ओके आइंदा यहां आने की जरूरत मत करना और ना ही मेरी बेटी से मिलने की कोशिश करना। यू कैन गो।
आई से गेट आउट। डैडी, राज। ये एक बेईमान इंस्पेक्टर का बेटा है जो कल वर्दी पहनकर अपने बाप की बेईमानी पर चार चांद लगाए। हाँ वर्मा साहब, लगाऊंगा, चार चांद जरूर लगाऊंगा, अपने बाप के बेईमानी पर नहीं, पर अपने दादा पर दादा की ईमानदारी पर, अपनी दादी के सपनों में। और आप जैसे लकीर के फकीर को यह साबित करके जाऊंगा कि चोर का बेटा चोर नहीं होता और खूनी का बेटा खूनी नहीं होता। तुम जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? राज, रति, तुम कहां जा रही हो? राज, राज सुनो, सुनो मेरी बात, राज मेरी बात सुनो। रति, तुम आज के बाद आज से नहीं मिलोगी। राणा। अरे मौसी, आज आप बरसों के बाद अचानक, आओ आओ आओ। तूने भी तो इतने बरसों में कभी पूछा नहीं कि मौसी जिंदा है या मर गई। मौसी, एक तो काम से फुर्सत नहीं मिलती, दूसरे आनंद ने कुछ ऐसी गलत हरकत की कि सक्सेना खानदान के सब दामन दागदार हो गए और आज तक वो दाग वो जख्म मेरे दिल से नहीं मिटते। तू ठीक कहता है राणा, आनंद ने हमें भी इस दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, इसलिए राज को लेकर ये शहर छोड़कर चली गई। अरे हाँ, राज कहाँ है? मैंने जब उसे आखिरी बार देखा था तो वो कुछ 10 साल का था, उसे साथ नहीं लाई? लाई हूँ। कहाँ है? बाहर। अरे बाहर क्यों खड़ा है, बुलाइए ना उसे। राज। अरे आओ आओ आ जाओ बेटा, मौसी भी कमाल करती है, बच्चों को अपने घर में बाहर खड़ा कर दिया, आओ जीते रहो। कितना बड़ा हो गया है, इतना सा था जब ये मेरे साथ खेला करता था, मेरी गोदी में सो जाया करता था, और अब देखो मौसी पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। अब आगे इसे जो कुछ सिखाना है ये तुम्हारा जिम्मा, कानून और फर्ज कैसे निभाया जा सकता है ये तू ही इसे सिखा सकता है। हाँ बेटा राज, तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ हुई है? जी बॉम्बे में, आप ही के सेक्शन में। मेरे सेक्शन में? जी। वेरी गुड। अरे फिर क्यों घबराती हो मौसी, आई विल लुक आफ्टर हिम, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर जैकब। Well, Mr. Jacob, I've studied this plan. The bank is well electronically guarded and the alarm can be listened for 5 miles from it. It is my advice for you to forget to rob this bank. Otherwise, you will be suicide. Aap mar jayenge. You're wrong, Mr. Chang. Jacob kabhi mar nahi sakta. Jacob maut ko maar ke paida hua tha. Peter? Yes, sir. ये दोनों को ठिकाने लगा दो। तुम? हाँ मैं। कैसे आना हुआ? तुम्हारे कारनामे देखने। कौन थे वो लोग? दो फॉरेनर्स थे। इसका अंजाम जानते हो? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे अंजाम जानने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर इस तरह तुम खुलेआम खून करते रहोगे तो तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। इस कस्म के गुनाहों पर डालने के लिए पर्दा मैं अपने साथ लेके घूमता हूं, तुम सिर्फ मेरी काली दुनिया पे ऐसे मोटे मोटे पर्दे डालते रहो जिसमें से छनकर मेरी शक्ल तुम्हारे कानून को नजर ना आए। लेकिन तुम इस तरह अगर रोज कानून से खेलते रहोगे तो मुझे डर है कहीं ये पर्दा तुम्हारे लिए कफन बनकर न रह जाए। मुझे धमकियां सुनने की आदत नहीं है राणा। और मुझे भी बार बार एक ही बात दोहराने की आदत नहीं है। अब तुम जो कुछ भी करोगे मुझसे पूछे बगैर नहीं करोगे, समझे? ठीक है, आइंदा ख्याल रखूंगा। लेकिन तुम आज अपसेट लग रहे हो, क्या बात है, कोई परेशानी है? हाँ, याद है परसों पहले एक पेड़ जो हमारे रास्ते का रुकावट बन गया था, हम उसे काट कर बहुत खुश हुए थे, लेकिन उस पेड़ के एक बीज को हमने छोड़ दिया था और आज वो बीज बढ़कर फिर से पेड़ बन गया है। किसकी बात कर रहे हो? आनंद। आनंद? कौन आनंद?
इंस्पेक्टर आनंद। वो आनंद तो उसका बेटा राज जवान हो गया है और अब वो सब इंस्पेक्टर बनकर मेरे ही इलाके में आ गया है। क्या राना, सांप मार दिया आप सपोले से डर लगता है? कभी कभी सपोला ज्यादा जहरीला होता है। तो एक काम करो, उस सांप के दांत तोड़ दो, उसकी जहर की थैली निकाल दो, फिर वो सांप एक खिलौना बनकर रह जाएगा। फिर खिलौनों को साथ मिला लेना, काम आएगा। लेकिन वो लड़का अपने बाप से नफरत करता है क्योंकि दुनिया उसके बाप को रिश्वतखोर और बेईमान समझती है। वो हमारे साथ काम करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन काम वो जरूर करेगा। क्या है कि नया नया पंडित पूजा बहुत करता है, नया नया मुसलमान नमाज बहुत पढ़ता है और नया नया ऑफिसर फर्ज व कानून की बातें बहुत करता है, लेकिन सब सोडे की जोश की तरह। लेकिन जब वक्त का हाथ जिंदगी का ढक्कन खोलता है तो सारा जोश करके निकल जाता है और सोडा जो है वो पानी बन के रह जाता है। तुम अपनी तरफ देखो ना, तुम कितने ईमानदार थे, फर्ज और कानून की हमेशा बातें करते थे, लेकिन जब हमने तुम्हें फांसा, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड की, तुम्हारी फिल्में उतारी, तुम्हारी तस्वीर उतारी, तुम्हें ब्लैकमेल किया, तुम कैसे हमारे रास्ते पे आ गए? इसी तरफ वो भी आ जाएगा। आओ गेम खेलते हैं। तुम माल छोड़कर आए कैसे हैं? आज तक किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारे इलाके से माल लेकर जाए। तुम माल छोड़कर आए कैसे? क्या करता है साहब? पुलिस पुलिस ब्लडी फूल, लगता है ये भी पुलिस वालों से मिला होगा। क्या हुआ, क्यों दुलाई कर रहे हो इसकी? डैड, ये हराम का पिल्ला 50 पेटी माल पुलिस के पास छोड़कर भाग आया। अब्दुल और फर्नांडिस को भी इसने मरवा दिया। कहता है पुलिस पीछा कर रही थी। He is a bastard. Bastard. पुलिस नहीं, एक नया लौंडा आया है, इंस्पेक्टर राज। राज? क्यों जैकब, मैंने ठीक कहा था ना, कभी कभी सपोला सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अरे जब ही तुम्हारे ऐसा कानून का डॉक्टर हमारे साथ है तो हम सांप का बाप है, सपोले को निवाला समझ के खा जाएगा। डोंट वरी टोनी, इंस्पेक्टर राज को संभाल लेना। ये लड़कियां भी बड़ी बेमुरव्वत होती हैं। कॉलेज में पीछा नहीं छोड़ती थी और अब ऐसे छुपती फिरती है जैसे पुलिस से चोर छिपे। हेलो, सारी जिंदगी हेलो कहकर चलाती रहोगी या गले भी मिलने आओगी? कौन बोल रहे हैं? तुम्हारे दिल की धड़कन। तुम फौरन यहाँ चलिए। कहाँ? वहीं से जहाँ मेरा दिल तुम्हारे इंतजार में उड़ उड़ के गिर रहा है और मैं फिर उसे उठाकर अपने सीने से लगा रहा हूँ। अरे क्या बक रहे हैं, नशे में है क्या? नशे में? पहले तो तुमने अपने दिल के शीशे में मुझे बंद कर लिया और अब कहती हो नशे में हूँ। ओफो, क्या मुसीबत है। कौन सा नंबर चाहिए आपको? हर वो नंबर जिसका लाइन तुमसे मिलती है, चाहे वो 420 ही क्यों ना हो। मगर आप किससे बात करना चाहते हैं? है एक, जिसकी खूबसूरत आंखों में शराब का समुंदर हो, जिसके ताजे होंठ देखकर गुलाब की पंखुड़ियां भी शर्मा जाती हैं, जिसकी चाल देखकर मोर अपनी चाल भूल जाता है। देखिए 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 नहीं चलेगा, तुम यहाँ फौरन चली आओ माय लव, और जो मैं कहता हूँ वही पहन के आना। पिंक साड़ी पहनकर आना और सर पे तुम्हारे एक लाल गुलाब होना ही चाहिए। कमाल है, मैंने तो यही पहन रखा है। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं अपनी दिल की आंखों से सब कुछ देख लेता हूँ। तुम इसी हालत में फौरन चली आओ। कहाँ चली आऊँ? अरे बाबा, वर्सोवा। वर्सोवा में जो वो मिलन होटल है ना, वही। मैं तो वही से बात कर रही हूँ। मिलन हाँ। होटल से? अरे मैं भी तो वही से बात कर रहा हूँ। Oh my God. माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था मैं आप ही से बात किया जा रहा हूँ। दरअसल मैंने फोन कहीं और लगाया था। यहाँ के टेलीफोन बूथ में ऐसा ही होता है, एक नंबर घुमाओ तो दूसरा नंबर मिल जाता है। कल एक पागलखाने का नंबर मिल गया था जी। कहीं अब मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही?
नहीं। आइए कॉफी पीते हैं। मुझे राज कहते हैं, इंस्पेक्टर राज। आई एम डॉक्टर निशा। निशा, वाह बहुत ही खूबसूरत नाम है। जैसे शीशे में नशा हो वैसे आपकी आवाज में बहुत मिठास है। वैसे तो डॉक्टरी पास कर ली है मगर साथ साथ म्यूजिक का भी थोड़ा बहुत शौक रखती हूँ। चलिए आज तो मैंने आपकी आवाज सुन ली, अगर जिंदगी में फिर मुलाकात हुई तो आपका गाना भी सुन लेंगे। कौन जाने अब मुलाकात हो या ना हो। जरूर होगी, आइए। निशा जी, जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। ये दुनिया भी किसी टेलीफोन एक्सचेंज से कम थोड़ी है। कभी कभी गलती से टेलीफोन के तार मिल जाते हैं और कभी कभी गलती से मुलाकातों के तार टकरा जाते हैं, है ना? ये टेलीफोन का रॉन्ग कनेक्शन काफी इंटरेस्टिंग रहा। अगर मैं जिंदा रही तो ये रॉन्ग कनेक्शन एक यादगार बनकर हमेशा सताएगा। जरूर। नाइस मीट यू, बाय। बाय। इंस्पेक्टर राज, तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा यानी कि तुम्हारी महबूबा मेरे कब्जे में है। इससे पहले कि मैं उसे नोट नोट कर उसकी खूबसूरती को बदसूरती में बदल दूं, तुम आधे घंटे के अंदर अंदर नदी के किनारे आ जाओ। कुछ मोहब्बत भरी बंद कर दिया साले ने, पर आएगा उसका बाप भी। टोनी, वक्त बर्बाद मत करो। हाँ, बुरे वक्त पे तो साया भी साथ छोड़ देता है। लगता है राज तुम्हारी इज्जत बचाने नहीं आएगा। ए! घड़ी की सुइयां भी यही बता रही हैं कि वो उल्लू का बच्चा नहीं आएगा। अब हम तुमको थोड़ा सा नहलाएंगे। मुझे डर लगे ही है, मेरे पास तू आजा, 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 आजा। Darling, this is a knife. One, two, three. I'm coming to you. Knife. I'll make you my wife. तुम दोनों जरा आराम करो। इन दोनों को कब गिरफ्तार किया? कल। किस जुर्म में? एक लड़की को अगवा करके उसे जबरदस्ती करने के जुर्म में। कोई सबूत? कोई चश्मदीद गवाह? इन्होंने खुद अपना जुर्म कबूल किया है सर।
और मैंने इन सरकारी कागजात पर उनके दस्तखत भी ले लिए हैं, ये लीजिए। देखा आपने सर, अब किसी सबूत या गवाह का सवाल ही कहां पैदा होता है। पैदा कैसे नहीं होता इंस्पेक्टर साहब, हमने जिंदगी में इतनी रोटियां नहीं खाई जितनी आपने डंडे खिलवा दिए। मरते क्या ना करते, मजबूरी में हमने कुछ भी घसीट दिया, वो हमारे असली दस्तखत नहीं है। क्या बकते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस को धोखा देते हो, कानूनी कागजात पर धोखेबाजी के दस्तखत करते हो, यही है ना वो कागजात? हिला देखो, यही है ना तुम्हारे दस्तखत? नहीं। अच्छी तरह देखो, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करोगे। मैं कहता हूँ छोड़ दो, मैं अपने सबूत नहीं करूंगा। This is my land, come on, what nonsense, come on। नहीं छोड़ूंगा सर, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा सबूत हो गया सर। I say shut up। जान लेने से मुजरिमों का नाम हो जाएगा और एक वर्दी पहना हुआ इंस्पेक्टर बदनाम हो जाएगा। और याद रखो, यह वर्दी सिर्फ मेडल लगाने के लिए है, दाग लगाने के लिए नहीं। बेटे, मुजरिम दागदार दामन लेकर बड़ी आसानी से जी सकता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर अपने दामन पर एक दाग लगाकर आसानी से मर भी नहीं सकता। इस बात का आइंदा ख्याल रहे। गुड मॉर्निंग सर। कम इन। सर, मैं टोनी और जॉनी की जमानत के लिए आया हूं। राज, जमानत के कागजात पूरे कर दो। थैंक यू सर। स्विमिंग पूल में मछलियां पकड़ रहे हो अंकल? मुजरिम और चोर मछलियां क्लबों के स्विमिंग पूल के आसपास ही मिलती हैं। और इस चोर मछलियों को पकड़ने के लिए आदमी को बहुत होशियार और चुस्त रहना पड़ता है, वरना ये मुजरिम जुर्म करके साफ निकल जाते हैं और हम उन्हें सजा दिलाने के लिए अदालत तक नहीं ले जा सकते, है ना अंकल? हाँ राज, जिस तरह बगैर चेक के बैंक से रुपया नहीं मिलता, इसी तरह बगैर सबूत के अदालत से सजा नहीं मिलती। सबूत? मैंने सारा वाक्य अपनी आंखों से देखा है अंकल, क्या ये सबसे बड़ा सबूत नहीं है? नहीं, क्योंकि पुलिस की आंखें और होती हैं, कानून की आंखें और होती हैं। कानून सबूत मांगता है, ठोस सबूत। टोनी एक बहुत बड़े रईस बाप का बेटा है, ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल लेना तुम्हारी जिंदगी, इज्जत और वर्दी के लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है अंकल। इज्जत की तो है, वर्दी की तो है। देखो, एक पते की बात बताता हूं, हमेशा याद रखना, सोसाइटी में बड़े लोगों से दोस्ती रखना और छोटे मुजरिमों को पकड़ते रहना। आपका मतलब ये कि अगर ये बड़े लोग रिश्वत देकर गैर कानूनी काम करवाएं तो उसे कर लेना चाहिए? अरे नहीं 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 बेटे, ये बड़े लोगों का पैसा जो है ये रिश्वत नहीं होता, तोहफा होता है। और इसी किस्म का एक तोहफा मैं आज तुम्हारे लिए लाया हूं। जैकब हमारे शहर का बहुत बड़ा दयालु और रईस आदमी है, उसने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अरे ले लो बेटा, ये रिश्वत नहीं है, ये दोस्ती की शुरुआत है। हाँ, ले लो लो लो, शाबाश। अब शुरू हुआ ना खेल, यही तो चाहती थी बेटे, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। दादी तुम? दादी तुम चाहती हो कि मैं पुलिस ऑफिसर बनके ऐसी गिरी हुई हरकत करूं? हाँ दादी माँ। हाँ, बरसों से मैं यही चाहती थी। दादी, सारी जिंदगी में अपने बाप से नफरत की और आपकी पूजा करता रहा,
आपने मुझे हमेशा सच बोलना सिखाया है, और सच को जिंदा रखने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। और आज आप ये कह रही हैं? हाँ, मैं तुझे कह रही हूँ, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। इसी दिन के लिए मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया था, और उसी पत्थर की आड़ में मैंने अपने आंसुओं को रोके रखा, बहने नहीं दिया। वरना कौन सी ऐसी माँ होगी जिसका जवान बेटा जलकर राख हो जाए, उसकी आंखों से आंसू का कितना भी ना बहे। आपकी आंखों से आंसू इसलिए नहीं बहे दादी माँ, क्योंकि आप अपने बेईमान बेटे की मौत पर रोना नहीं चाहती थी। राज, आपके बेटे ने आपका सर दुनिया के सामने झुका दिया दादी माँ। बस कर राज। और आपने कानून से गद्दारी करने वाले बेटे की याद को दिल से निकाल के फेंक दिया। खामोश रह राज। आपका बेटा मुजरिम था, बुज़दिल था, खुद तो खुदकुशी करके मर गया और हमें बदनामी के समुंदर में गोते खाने के लिए छोड़ गया। खबरदार, एक लक्ष्मी आगे कहा तो। परसों से मैं जहर को पीती रही, अब और नहीं पीऊंगी। परसों से लोगों के शब्द मेरे कानों में बच्चियों की तरह चुपके रहे। मैंने ये सब इसलिए बर्दाश्त किया कि तू बड़ा हो, जवान हो, वर्दी पहनकर उन लोगों से मिले, और वो गिरे हुए लोग तुझे फंसाने की कोशिश करें, और तू आहिस्ते से फंसता चला जाए, लेकिन सब दिखाने के लिए, असलियत में तू उन्हें फांसता चला जाए, और जिस दिन उनके खिलाफ सारे सबूत पैदा कर ले, उस दिन दुनिया को बता दे कि वो बड़े लोग कितने छोटे होते हैं, वो ऊंचाई पे बैठे हुए लोग कितने गिरे हुए होते हैं। समाज में ऐसे भी मुजरिम हैं जो वर्दी पहन के चुन करते हैं, आपके पौधे को कानून के खून से बड़ा करते हैं। तू कहता है तेरा बाप बेईमान था, गद्दार था, रिश्वतखोर था। तो आ मेरे साथ, आज मैं तेरे बाप का तुझे असली रूप बताती हूँ। तेरे बाप की वर्दी, इस वर्दी की आंख को बचाने के लिए खुद तो जिंदा जलकर राख हो गया, मगर कानून के दामन को रिश्वत की आग से जलने नहीं दिया। ये है उसकी डायरी, जो उसकी सच्चाई का सबूत है। मैंने आज तक इसे इसलिए संभाल के रखा कि जिस दिन तू वर्दी पहनकर आएगा, और तुझे दूंगी ताकि तुझे पता चले कि तेरा बाप गद्दार था या कानून और देश का वफादार था। अब तू ही से पढ़कर फैसला कर कि तेरा बाप क्या था। सोमवार, तारीख 23 दिसंबर 1966 के दिन नासिक से बंबई के रिजर्व बैंक में एक वैन 10 लाख रुपए नकद ले जा रही थी। मुझे ड्यूटी दी गई थी कि मैं उस वैन को हिफाजत से रिजर्व बैंक तक पहुंचा दूं। आधे से ज्यादा रास्ता बगैर किसी तकलीफ के गुजर गया, मगर जब हमारी वैन एक सुनसान सड़क पर आई तो अचानक गोली चलने की आवाज आई और हमारे वैन का ड्राइवर गोली का शिकार हो गया।
कहाँ है बैंक का सारा पैसा? पैसा? कौन सा पैसा? ज्यादा चालाकी मत दिखा वरना जान से मार डालूंगा। मारो, तुम मारते मारते थक जाओगे, मैं मार खाते खाते नहीं थकने वाला। मैं इंसान नहीं हूं, मैं तो शैतान की आत्मा पे सुअर की चमड़ी चढ़ी हुए हैवान हूं। इसलिए अपन कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना यार, आधा आधा बांट लेते हैं, तुम अपना माल दबा के बैठ जाना, मैं अपना लेके फूट जाता हूँ, क्या बोलते हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं फर्ज के लिए अपनी जिंदगी दे दूंगा मगर दौलत के लिए अपना ईमान नहीं बेचूंगा, समझे? आराम से मुझे खरीदना चाहता है? अरे तो नहीं खरीदता, जाने दो ना यार। पता कहाँ है पैसे? कौन सा पैसा? मैं तुझे याद दिलाता हूँ। कौन सा? जैकब साहब के लिए घर से खाना लाया। क्या इसमें? जैकब साहब का खाना। ले जाओ इसे, आज से लॉकअप का खाना खाएंगे, लॉकअप का। लॉक साहब घर से खाना मंगाए, मैं खिलाता हूँ, जिंदगी भर याद रखेंगे। इधर आओ, गेट आउट। ए बेड़ू, मेरे वास्ते एक वकील करना है, ये इंस्पेक्टर खाली बिली मेरे फंसा रहे है। भरोसा नहीं इन लोगों का, शायद इसी में कुछ लाया हूं। आनंद, इसने पैसे के बारे में कुछ बताया कि नहीं? बताएगा, सब कुछ बताएगा, इसके बारे में बताएगा और पुराने जुर्म भी कबूल करेगा। मैं इसका रिकॉर्ड ढूंढ रहा हूं, जब तक इसने नहीं बताया मैं इसे ना तो खाने दूंगा ना सोने दूंगा। हाँ ठीक है, इन हरामजादों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ये कानून के गिरेबान पर हाथ ना डाल सके। इनकी खाल उतरवा देनी चाहिए, इन्हें फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए। अच्छा आनंद, मैं चलता हूँ, ये फाइल तुम अच्छी तरह स्टडी कर लेना, कल इस हरामजादे को बताएंगे कि डाका डालना क्या होता है और पुलिस को धोखा देने का अंजाम क्या होता है, समझे? जेकब के लॉकअप से भागने में जरूर किसी का हाथ है, आखिर वो कौन हो सकता है? कहीं रुपए यहां, रॉयल बैंक का लूटा हुआ रुपया यहां। मां, मुझे पहले ही शक था, जैकब को भगाने में तुम्हारा हाथ था और रुपया गबन करने में तुम दोनों का। यू आर अंडर अरेस्ट। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले आनंद को बदनामी की दलदल में जबरदस्ती गिरा दिया गया, मुझे फांसा गया क्योंकि मैं कुछ लोगों के रास्ते की रुकावट बना हुआ था। मेरे होते हुए लोग काला बाजार, चोरी, डकैती, स्मगलिंग कुछ नहीं कर पा रहे थे और इसलिए मुझे रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाया गया और ये प्लान बनाने वाला कोई और नहीं, इंस्पेक्टर राणा ही था। राणा और जेकब मुझे फंसने में कामयाब हो गए। आज सारा शहर समझ रहा है कि आनंद चोर है क्योंकि मेरे पास सच्चाई और ईमानदारी का कोई सबूत नहीं। उन दोनों ने मिलकर मुझे फांस लिया। मेरी इज्जत, मेरी शराफत, मेरी ईमानदारी आज राणा और जेकब की चालाकी की आग में जलकर खाक हो गई। लेकिन मैं दुनिया को दिखला दूंगा कि आनंद इज्जत से जिया है और इज्जत से मर जाएगा। हां, कानून इन्हें सजा नहीं देगा क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं उन्हें सजा देने जा रहा हूं। हो सकता है कि शायद मैं खुद वापस ना आ सकूं, मगर मेरी ये डायरी जो मेरी ईमानदारी और सच्चाई का सबूत है, इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना। मेरे बेटे यानी अपने पोते को जवान होकर पुलिस अफसर बनने के बाद बताना ताकि वो उन लोगों से बदला ले सके। बस मैं जा रहा हूं। दादी, 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 इसके बाद कुछ नहीं लिखा? इसके बाद लिखने के लिए मेरा बेटा जिंदा नहीं रहा। मुझे पता चला कि मेरा आनंद अस्पताल में जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा है। दादी,
राणा, जब उनको पकड़ने के लिए इस तरह इन दोनों ने मेरे आलन को जिंदा जला दिया। दादी माँ, आपने यह बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? क्या बता दी बेटे, राणा ने जी भर कर तेरे बाप को बदनाम किया, शहर के हर अखबार में उसके खिलाफ बयान दिया। लेकिन आप कानून का सहारा ले सकती थी दादी माँ। कानून सबूत मांगता है बेटे, ठोस सबूत। मैं एक अकेली औरत और तू नन्ना सा बालक, तुझे छाती से लगाकर कहां कहां भटकती, कैसे जैका पर राणा को गुनहगार साबित करती, कैसे? लेकिन ये डायरी तो थी ना दादी माँ। बेटे, ये अधूरी डायरी न तो उनका जुर्म साबित कर सकती थी, न मेरे मरे हुए बेटे को बेकसूर। सुन बेटे, मैंने बरसों से इस आग को सीने में दबाए रखा है। मैं एक पुलिस वाले की बेटी थी, एक पुलिस वाले की पत्नी थी, एक पुलिस वाले की मां थी, और अब एक पुलिस वाले की दादी हूं। और अब ये दादी अपने पोते से अपने बेटे और उसके बाप की मौत का बदला चाहती है। बोल, तू बदला लेगा या नहीं? जरूर लूंगा दादी माँ, मैं बदला जरूर लूंगा। मैं कानून के किताबों में एक बार फिर लिखवा दूंगा कि आपका आनंद और मेरा बाप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था और रहेगा। दादी माँ, मुझे आशीर्वाद दो दादी माँ। हम तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हुए इंस्पेक्टर राज। हमसे हाथ मिलाने वालों के हाथ हम मजबूत कर दिया करते हैं, जैसे तुम्हारे अंकल राणा के हाथ हमने मजबूत कर दिए। और जो हमारी बात नहीं मानता, उनकी वर्दी छिन जाती है, उनकी तरक्की रुक जाती है, और कभी कभी उनकी जिंदगी भी चली जाती है। यस, यू आर वेरी राइट। चेकअप साहब, मुझे तरक्की भी चाहिए, वर्दी भी चाहिए, और जिंदगी भी चाहिए। और उसके लिए हमारा हाथ तुम्हारे सर पर होना चाहिए। तुम अपना हाथ मेरे सर पर रखो तो सही, मैं तुम्हारे हाथ में हथकड़ी पहनाकर फांसी के फंदे पर ना लटका दूं तो मैं भी इंस्पेक्टर आनंद का बेटा नहीं। क्या, क्या सोच रहे? जी, यही कि इंसान की तकदीर बदलते देर नहीं लगती। कल मैं क्या था और कहां था, और आज मैं क्या हूं और कहां हूं। और आने वाले कल को देखना हम तुम्हें कहां से कहां पहुंचाते हैं। खैर, तुम्हारे आने की खुशी में हम एक शानदार पार्टी देंगे, जिसमें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के मैनेजर मिस्टर चैटर्जी भी आएंगे, और उनके साथ उनकी खूबसूरत बेटी भी आएगी। हेलो, जी, जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये दुनिया भी किसी टेलीफोन एक्सचेंज से कम थोड़ी है। कभी कभी गलती से टेलीफोन के तार मिल जाते हैं, और कभी कभी गलती से मुलाकातों के तार टकरा जाते हैं, है ना? हेलो,
एक दीवाना मुझे टेलीफोन करता है, मेरा एक दीवाना मुझे टेलीफोन करता है, टेलीफोन पे ठंडी ठंडी आगे वो भरता है, कहता है वो जाने जहाँ वो जाने जिधर
जकड़ी जाएगी मैं उसे न छोड़ूंगा ये कसम न तोड़ूंगा देखूं फिर बाहों से वो कैसे निकलती है मेरी दीवानी मुझे टेलीफोन करती है टेलीफोन पे ठंडी ठंडी आहें वो भरती है कहती है हो जाने जहां हो जाने जिगर देख दही सच बोल मुझे शक होता है कहीं तू 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 मेरी एक दीवानी मुझे टेलीफोन करती है मेरा एक दीवाना मुझे टेलीफोन करता है ओ मेरी एक दीवानी मुझे टेलीफोन करती है डॉक्टर साहब आप अपने बैग में इतना कैश पैसा रखते हैं आपको डर नहीं लगता चोरी हो जाए या कोई डर नहीं नहीं भाई हमारा वोल्ट ऐसा है कि अगर उस पर बम भी फेंको कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका तो फिर आप उसको खोलते कैसे वो कोड नंबर उसको घुमाना कुछ है कोड नंबर तो वो कोड नंबर क्या है कुछ क्या कोड आपने क्यों पूछा यू ऐसे ही ऐसी तैसी ऐसे की पूछा कैसे कोड नंबर हैं दोस्ती पूछ लिया अरे दोस्ती की ऐसी की तैसी कैसे पूछा पूछा कैसे अच्छा मैं बर्फ डालता हूं अरे बर्फ की ऐसी की तैसी कोड नंबर कैसे पूछा अच्छा तुम गिलास खत्म करो शराब को दूसरा गिलास अरे नहीं शराब की ऐसी की तैसी कोड नंबर कैसे पूछा यार मैं खड़ा रहूंगा चला जाऊं यहां से अरे जाने की ऐसी की तैसी कोड नंबर कैसे पूछा कोड नंबर पूछ रहे अरे हम अपनी जान दे देंगे कोड नंबर नहीं बताएंगे तुमने पूछा कैसे कोड शराब पिला के कोड नंबर पूछे पता नहीं कहां से चले आते राणा तैयार हो जा राणा बहुत जल्द फांसी का फंदा तेरे गले तक पहुंचने वाला है याकब तुम 2 महीने से बैंक रॉबरी का प्लान बना रहे हो लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला मैंने 2 ही दिन में फूल प्रूफ प्लान बना दिया है यह है बैंक का मेन गेट और यहां से ठीक ये 500 गज पर पहला मैन होल टोनी अपनी गाड़ी इस मैन होल पर पार्क करेगा और गाड़ी के अंदर ही अंदर से नीचे उतर जाएगा 300 मीटर जाने के बाद टोनी को एक दीवार मिलेगी वो डायनामाइट उस दीवार पर फिक्स कर देगा 11:10 पर एग्जैक्टली 11:10 हमारा एक ट्रक इस स्टॉल के साथ आकर टकराएगा एंड एग्जैक्टली एट 11:10 डायनामाइट ब्लास्ट दोनों धमाके एक साथ होंगे किसी को पता नहीं चलेगा कि ब्लास्टिंग हुई है फिर 11:15 पर तुम अपने 4 आदमियों के साथ बैंक में दाखिल होगे और होल्ड अप करवाओगे एक्सेलेंट पार्टनर लेकिन एक सवाल यह है कि मैं और मेरे आदमी तो बैंक में होंगे उस वक्त तुम कहां होंगे मैं बैंक के सामने वाली बिल्डिंग के इस फ्लैट में दूरबीन से सारा मंजर देख रहा हूंगा गॉड फॉरबिड अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं फौरन वहां पहुंच जाऊंगा और तुम लोगों के भागने में मदद करूंगा एक्सलेंट ब्यूटीफुल टाइम क्या है 1:10 1:12 कर दो और टोनी का टाइम भी ठीक करवा देना गुड लक थैंक यू मिस्टर राणा थैंक यू टोनी लीजिए राणा साहब की आवाज लॉकर का नंबर डोंट वरी डैड मैं बैंक मैनेजर की ऐसी कूची पूछी करूंगा कि उसका बाप भी लॉकर का नंबर बताएगा जैसे जैसे रस्सी का फासला कम होता जाएगा वैसे वैसे मैं तुम्हारे
और नजदीक आता जाऊंगा और नजदीक और नजदीक और नजदीक। वैसे तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन फिलहाल मैं जल्दी में हूं। मुझे तुम्हारे बाप के बैंक का लॉकर का नंबर चाहिए। पता? वो लॉकर नंबर मुझे नहीं मालूम। पता? मुझे छोड़ दो। पिताजी को फोन करके नंबर पूछ लूंगी। आजा, आजा। हेलो डैडी, डैडी मैं निशा बोल रही हूँ। क्या बात है? डैडी चोनी और उसके आदमियों ने हमारे घर को चारों तरफ से घेर लिया है। क्या? और तो मैनेजर साहब, आपने अपनी प्यारी बिटिया की आवाज सुनी। मैं आपको लास्ट वार्निंग देता हूं, अगर आपने इसी वक्त मुझे अपने बैंक के लॉकर का नंबर नहीं बताया तो मैं तुम्हारी बिटिया की वो हालत करूंगा कि जिंदगी भर इस जमाने को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी। हाँ, अगर आपने ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो मैं नहीं। आप होशियार आदमी है, अकलमंद आदमी है, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो बताओ लॉकर का नंबर क्या है? मैनेजर साहब, आप जितनी ही ज्यादा देर करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी बिटिया की इज्जत लुटती जाएगी। तो बताओ। बताते 0-0-3 turns 0-0-3 turns आगे 6-7 6-7 Two turns. Opening sound. Ah. Hey. What? Amos. मेरी आवाज सुनो, कोई आवाज नहीं करेगा नहीं तो मैं उसे गोली से मार दूंगा। क्या? कौन हो तुम? वार्ड की चाबी लाओ। डोंट डू एनीथिंग। सारे वायर काट दिए क्या छोटियो? चाबी लाओ, चाबी लाओ। कोर्ट की गेम है। कौन सी तरफ? राइट साइड। सब दीवार की तरफ अपना मुंह करके खड़े हो जाएं। मैं वादा करता हूं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और अगर किसी ने आवाज करने की कोशिश की तो मैं उसे शूट कर दूंगा। ना मूव। मैं तुम्हारे पिताजी को यह बताने आया था निशा कि जेकब और उसके आदमी उनके बैंक पर डाका डालने वाले हैं। कल रात मैंने राणा और जेकब को बात करते हुए सुना था। हाँ निशा, फोन उठाओ वरना
किसी को शक हो जाएगा। लेकिन हाँ या ना के सिवा कुछ मत बोलना, वरना गोली मार दूंगा। उठाओ, बोल रहा हूँ। हेलो मैनेजर साहब, मैं इंस्पेक्टर राज बोल रहा हूँ। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं, आपकी बेटी सही सलामत है। डैडी, मैं ठीक हूँ डैडी। मैनेजर साहब, मुझे सब पता है कि इस वक्त बैंक में क्या हो रहा है। हाँ। एक आदमी लॉकर के अंदर से पैसे इकट्ठा कर चुका है। नहीं। ठीक है, आप सिर्फ हाँ या ना कहते जाइए, मैं दो मिनट के अंदर बैंक पहुंच रहा हूं। ओके, ठीक है। नो नो नो, हाँ यस, जल्दी करो, मैं गोली मार दूंगा। नो नो, यस यस, नो, शट अप यू बास्टर्ड। आप मेरे आखिरी सबूत हैं मैनेजर साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी सूरत और तुम्हारे करतूत दुनिया को दिखाने आया हूँ। मतलब तुमने हमसे झूठ बोला था? झूठ से झूठ बोलना दुनिया का सबसे बड़ा सच है जेकब। का देकर सारा माल हड़प करना चाहता है। थैंक यू। जाने दो। एक विशेष सूचना, आवाम को इत्तला दी जाती है कि पुलिस इंस्पेक्टर राज और जेकब जो बैंक रॉबरी करके फरार हो गए हैं, पुलिस उनकी पूरी सरगर्मी से छानबीन कर रही है।
राज साहब, इंस्पेक्टर राज, आखिर तुम गिरफ्तार कर ही लिए गए। अब मालूम हुआ कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। पुलिस के हाथों बच निकलना कोई आसान काम नहीं। शमशेर। यस सर। तुम्हें मालूम है ना कि ये रुपया कहां जमा कराना? हाँ सर। ले जाओ। हाँ तो इंस्पेक्टर राज, वो रुपए कहां हैं जो तुमने बैंक से लूटे? इंस्पेक्टर राज, ये पुलिस स्टेशन है, नाटक कंपनी नहीं। बताओ वो रुपया कहां है? जज साहब, इसकी बातों पर मत आइए। जज साहब, ये कानून, पुलिस और इंसाफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। ही इज अ लायर, ये झूठा है। जज साहब, जज साहब, मैंने अपने हाथों से खुद इसे वो पैसे दिए थे। जज साहब, जज साहब, इससे सिर्फ इतना पूछ लीजिए, इसके पास क्या सबूत है कि इसने मुझे रुपया दिया? तुम्हारे पास कोई सबूत है? गवाहों के बयान के मुताबिक मुलजिम राज अपनी बेगुनाही का सबूत पेश नहीं कर सका, इसलिए उस पर यह इल्जाम साबित होता है कि उसने बैंक मैनेजर, बैंक के गार्ड का खून किया, 10 करोड़ पब्लिक मनी की डिकॉयटी की। इसलिए अदालत इंस्पेक्टर राज वल्त इंस्पेक्टर आनंद सक्सेना को सजाए मौत का हुक्म देती है। कोई वजह सुनना नहीं चाहता। यह हमारे सारे डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, जैकब और राज का जल्दी पता लगाओ, समझे? अगर जिंदा नहीं तो मुर्दा। हमें राज और जैकब को गिरफ्तार करना है, और वो भी जल्द से जल्द। ये सब क्या हो रहा है राणा? कुछ नहीं मौसी, बेटा बाप की कहानी दोहरा रहा है। ये क्यों नहीं कहता के बाप की तरह बेटे को भी फंसाया जा रहा है? तो आपको आज तक ये यकीन है कि आपका बेटा आनंद कानून का गद्दार नहीं था, बेकसूर था? हाँ, न तो मैं गद्दार की बेटी हूँ, न मेरा बेटा गद्दार था, न मेरे बेटे का बेटा गद्दार है। हमारा खानदान तो देश के वफादारों में से एक है, लेकिन बदकिस्मती से गद्दारी के दामन के छींटे मेरे बच्चों पे उड़ाकर उन्हें बदनाम कर दिया है। मतलब कि कानून की किताबें झूठी हैं? कानून की किताबें झूठी नहीं है, उसमें जो लिखा है वो गलत है, उसके लिखने वाले झूठे हैं। आपका इशारा किसकी तरफ है? तुम अच्छी तरह समझते हो राणा। तो मतलब आपने राज को मेरे खिलाफ तैयार करके पुलिस में भर्ती करवाया है? हाँ, सोचा तो यही था, लेकिन तेरी किस्मत में मौत थोड़ी देर से लिखी है। मगर तेरे पोते की किस्मत में मौत बहुत जल्द लिखी है। या तो वो भागता हुआ पुलिस की गोलियों का निशाना बन जाएगा, और अगर वो पकड़ा गया तो फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा, और उसकी मौत देखकर तेरा कलेजा फट जाएगा और तू भी मर जाएगी। नहीं राणा, मैं नहीं मरूंगी। मैं तेरी मौत से पहले नहीं मरने वाली। मैंने मौत से जिंदगी को उस वक्त तक उधार मांग रखा है जब तक तू अपने गुनाहों की सजा न पाले, दुनिया तुझे देखकर इबरत हासिल न कर ले। तेरी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी,
क्योंकि बाजी मेरे हाथ है, कानून मेरे साथ है। मेरे साथ भी वो है जिसके हाथ में सब कुछ है। जानता है कौन? कौन? मेरा भगवान। भगवान मंदिर में मिलेगा। आज सवेरे शहर के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में डकैती हुई थी, अब तक उस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैकब तो पुलिस की गोलियों का शिकार हो चुका है, लेकिन उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। पुलिस पूरी सरगर्मी से राज को तलाश कर रही है। जैसा बाप वैसा बेटा। ना जाने पुलिस डिपार्टमेंट वाले कब इंसान को पहचान कर उसे डिपार्टमेंट में भर्ती करना सीखेंगे। मुझे चैलेंज करता था, शराफत और ईमानदारी की बातें करता था, बेईमान करेगा। टेरी, आपने भी क्या आदत पकड़ ली है? मैं जब भी राज की बात करता हूँ तुम नाराज हो जाती। तुम्हारे अभी समझ में नहीं आया वो किस किस्म का आदमी है? डैडी, ना मैं आपसे जिद करना चाहती हूँ ना बहस। जब तक मैं राज से खुद मिलकर उसकी जुबानी पूरा वाक्य नहीं सुन लेती, मुझे यकीन नहीं आएगा। दुनिया भर के सबूत उसके खिलाफ है। डैडी, सबूत और गवाहों की जरूरत सिर्फ अदालत कानून में हुआ करती है, जो झूठे भी हो सकते हैं, खरीदे हुए भी हो सकते हैं, मगर दिल को सबूत की नहीं विश्वास की जरूरत है। और मेरा दिल मुझे ये कहता है कि राज बेगुनाह है, और जिस दिन उसको सच्चाई का सबूत मिल जाएगा वो दुनिया के सामने आ जाएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। उससे बहुत पहले पुलिस की गोलियों से छलनी उसकी लाश किसी गंदी नाली में तैरती हुई नजर आएगी। और अगर वो दुनिया भर के सबूत इकट्ठा करके अपने आप को बेगुनाह साबित भी कर दे तो भी इस घर का दामाद तो नहीं बन सकता। आप चाहे दामाद माने या ना माने, वो मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है, मेरा सुहाग है। अगर जीऊंगी तो उसके साथ ही, मरूंगी भी उसके साथ ही। रति, राज, राज तुम्हें क्या हो गया? राज, कौन? रति, राज, दादी माँ कहती थी ना कि सच्चाई के रास्ते पर कांटे बिछे हैं, पैर, शरीर, जिंदगी सब जख्मी हो जाते हैं। आज, आज वही हालत मेरी है रति। मैं दोनों तरफ से फंस गया हूँ रति। एक तरफ पुलिस से बच रहा हूँ, दूसरी तरफ राणा और जेकब के आदमी मुझे खत्म करने के पीछे पड़े हुए। चुप, गोली मार दूंगा। सुनो, मेरे कंधे पे गोली लगी, उसे निकालो, मेरी भर पट्टो करो। नहीं, तुम बैंक लूट कर आए हो और मेरे डैडी के खूनी हो। तुम्हारे बाप का खून किसने किया है और बैंक किसने लूटा है वो बाद में बताऊंगा। अंदर चलो, चलो अंदर, वरना गोली मार दूंगा। चलो। और इसी तरह राणा ने अपना जुर्म मेरे गले डालकर मुझे फांसा है। रति, मैं एक मामूली इंस्पेक्टर हूं, वो एक डीएसपी है, पुराना ऑफिसर है, उसका सब सुनेंगे, मेरा कोई नहीं मानेगा। ये पैसा लोगों की अमानत है और मेरी बेगुनाही का सबूत है। रति, अगर मुझे कुछ हो गया तो? नहीं राज, ऐसा मत बोलो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये क्या है? बेहोशी का इंजेक्शन। नहीं, मुझे होश में रख के गोली निकालो। चलो जल्दी निकालो। हाँ,
मैं मिजे वर्मा बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर राज अभी भी मेरी गाड़ी लेके भाग गया। एक काम करो, वो टेलीविजन 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 ऑन करो। टेलीविजन? हाँ, मेरी आवाज बाहर जाएगी तो किसी को सुनाई नहीं देगी। ऑन करो। मैं तमाम शायरियों को आगाह करना चाहता हूँ कि मुल्क का गद्दार मशहूर स्मगलर जैकब और हमारे अपने डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर राज, ये दोनों खूनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में डाका डालकर हमारे देश के बहन और भाइयों की मेहनत से कमाए हुए रुपए लेकर फरार हो गए और इस हादसे में मुझे भी जख्मी कर गए। लेकिन मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं आप लोगों को यकीन नहीं। ये क्या कर रहे हो? तुम इंसान हो या जानवर हो? मैं इंसान कहां हूं? ये देखा नहीं, मैं इंसान हूं। मैं शैतान की आत्मा पे सुअर की चमड़ी चढ़ा हुआ हैवान हूं। मेरा सर मत फिराओ, मेरे सर पे खून सवार है इस वक्त। पहले मुझे राज को तलाश करके पैसा वसूल करना है, उसके बाद राणा को भी निपट लूंगा। तुम तो बिना दवाई और पट्टियों के दो दिन भी जिंदा नहीं रह सकोगे। अंदर पॉइजन हो गया है। तुम्हारी मौत भगवान ने तुम्हारे साथ ही रख दी है। अब चलो। जाऊं? कहां जाऊं? अब तो मैं जहां जाऊंगा मेरे साथ साथ तुम चलोगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरा इलाज करती जाओगी और मैं इस राज को तलाश करता जाऊंगा। इसलिए मैं एक वैन मंगाता हूं, तुम मेरे साथ साथ चलोगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। होगा, तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो अपने बाप के कातिल राज को, राणा को कैसे तलाश करोगी? ये लोग तुम्हारे बाप के कातिल हैं। जल्दी तैयारी करो, मैं फोन करता हूं। तुम चिंता मत करो डैड, वैन तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। इंस्पेक्टर राज की चंद कमजोरियां मेरी मुट्ठी के अंदर बंद हैं। उन कमजोरियों का फायदा उठाकर मैं इंस्पेक्टर राज को मजबूर कर दूंगा। हेलो, दिस इज इंटरनेशनल फेम फोटोग्राफर, यानी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त। आपके होटल में कोई इंटरनेशनल रूम? ओह, आई मीन टू से समथिंग फैंटास्टिक, समथिंग ब्यूटीफुल रूम है? बिकॉज आई वांट टू फोटोग्राफ इंटरनेशनल चिक्की। थैंक यू। ओहो, मजा नहीं आया। अरे जरा बल खाओ, थोड़ा लहराओ। तुम तो बंदूक की नाली की तरह सीधी बैठी हो गई छुट्टी। मुझसे क्या शर्माए हुए खानदान की शर्मीली लड़कियां टकराती हैं? मॉडलिंग के लिए पैसा पूरा लेती हैं, मगर जियोग्राफिया अधूरा ही दिखाती है। मुस्कुराने के लिए कहो तो कहती है अंदर के दो दांत कम है। बाल साफ क्रीम के लिए टांग दिखाने को कहो तो कहती है मेरे बाप का दिमाग गर्म है। भड़कीले कपड़े पहनने को कहो तो कहती है नहीं नहीं गुदगुदी होती है, बहुत नरम नरम कपड़ा। अरे तुमने मुझे क्या फुटपाथिया फोटोग्राफर समझ रखा है? इधर इधर अंदर मेरे बैग में आकर देखो, एक से एक हसीन खूबसूरत लड़कियों के फोटोग्राफ भरे पड़े हैं, जिनके चेहरे की चमक देखकर तुम चकरा के बेहोश हो जाएगी और तुमको होश में लाने के लिए चप्पल सुंगानी पड़ेगी। चप्पल अभी सुंगाता हूं, अभी सुंगाता हूं। अरे पता नहीं क्या समझती है, अभी पता चल जाएगा। देखो 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 लपक लपक के आगे देखो। क्या आगे फटी की फटी रह गई ना? देखो देखो, अरे देखो मेरे फोटो, देखो देखो देखो। इतने सारे नोट्स भागों के साथ, हम भी फटे के फटे रह गए। अरे 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 मेरे फोटो नोट कैसे बन गए? उठिए ना, आपको क्या हो गया है?
ओफो, उठिए ना। आ? हम कहाँ हैं? आप हमारी गोद में हैं। तो तुमने हमें गोद ले लिया? आप जैसे को गोद में कौन नहीं लेगा? समझ गया। ये रुपए देख के तुम भी फिसल गई? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे घर पे चल के देखो, कालीन में ऊन की जगह नोट सिले हुए हैं, आटे के डिब्बे में 100-100 रुपए, अच्छा? घी के डिब्बे में 50-50 के नोट, चावलों में 54, दाल के डिब्बे में 52। अरे इतने रुपए है कि घिन आती है घर जाते वक्त, और कभी खाने के बाद डकार लेते हैं तो 10-8 नोट तो यूं ही गिर पड़ते हैं। अरे झूठ बोलने वाले से तो हमारी आज तक मुलाकात ही नहीं हुई। चलो हम तुम्हें ऐश कराते हैं, हीरे पहनाएंगे, सोने चांदी से नहलाएंगे, इंसाफ की तराजू की जगह सोने चांदी की तराजू में झूलाएंगे। लेकिन तुम्हारी ये स्कर्ट उठ जाएगी? उठ जाएगी ना, तो फिर चल पड़ो, चल पड़ो। अरे चल पड़ो। अरे रति, ये सब पैसे कहाँ चले गए? रिसेप्शन पे वो मॉल फोटोग्राफर था ना, उसके पास भी येलो बैग था, चलो उसके पास चलते हैं। लेकिन कैसे? रिसेप्शन से उसका रूम नंबर पता लगाते हैं, फिर मैं मॉड बनूंगी।
वेलकम वेलकम इंस्पेक्टर राज। हम जानते हैं कि तुम्हारी दो कमजोरियां हैं, एक तुम्हारे पास है और एक मेरे पास है। चलो शरीफ इंसान की तरह ये जो बैग है ना तुम्हारे पास, अपने इस बाप के हवाले कर दो। चलो नहीं राज, नहीं, वो मेरी फिक्र मत कर। ये पैसा जनता की अमानत है, इसे किसी भी हालत में इस दरिंदे के हवाले मत करना। चुप रिया राज, ये पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। तुझे मेरी ममता का वास्ता राज, तुझे मेरी कसम। जोनी अपनी जान की खैरियत, चलो चलो। कोई बात नहीं, पूछी पूछी, ये सारा खेल पिस्तौल का है, मैं छोड़ूंगा तुम दोनों को। राज चलो चलो। दादी माँ। हाँ बेटी। दादी माँ मैं होम मिनिस्ट्री के पास जा रहा हूँ, हम आज ही अपनी जनता की अमानत प्रधानमंत्री के हवाले करेंगे। हाँ बेटे, इतने सारे रुपए इस वीरान जगह में रखना ठीक नहीं। सुन बेटे, संभल कर जाना। हाँ आप मेरी फिक्र न कीजिए दादी माँ, चाहे दुश्मनों के पास हजारों हथियार हो, मेरे पास मेरी दादी माँ का आशीर्वाद की ढाल तो है। दरवाजे को तोड़कर उसमें से उड़ाई हुई दौलत को उस उल्लू के पट्टे इंस्पेक्टर ने इस फटीचर घर में बंद रखा है। ए मंकीज, लेट्स गो एंड सर्च द हाउस, फॉलो मी। या बोल, पैसा कहाँ है? तू क्या समझता है, मेहनत मेरी प्लान मेरा, ऐश तू करेगा? बोलता है कि नहीं? नहीं? बोल, बोल। हाँ? मेरे पास ये मुंह खुलवाने का एक और नुस्खा भी है, बहुत नुस्खे हैं, अभी खुलवाता हूँ। कूची पूछी, वाह, आज का दिन बहुत फैंटास्टिक है। एक तरफ सरकारी बैंक की दौलत और दूसरी तरफ तुम्हारी जवानी की बैंक की दौलत। कूची पूछी, जिंदगी के सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। तो तुम क्या तलोगी? मेरे बाजुओं में ताकत है और तुम्हारे पास सिर्फ ये हुस्न। पकड़ो इसे, पकड़ो इस चिड़िया को, उड़ने ना पाए।
पूछी पूछी डोंट बी नॉटी। पूछी पूछी ज्यादा होशियारी करना मत। दादी माँ मुझे बचा लो। दादी माँ ओ तो सारे का सारा खानदान यही मौजूद है। जब तक तुम्हारे असली घर जेल और जेल से फांसी तक नहीं पहुंचाती मैं इनके साथ रहूंगी। देखती हूं तुम इन लोगों का क्या कर सकते हो। दादी माँ जेल और हम, मैं उस बाप की औलाद हूं तो जेल से ऐसे फरार होता है जैसे टायर में से हवा। चलो नहीं तो मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगी। चलो चलते हो या नहीं। कहाँ है पैसा? ये चिकना चेहरा खराब कर दूंगा। क्या राज दुखता है ना? पर पैसा किधर है? हाँ नहीं नहीं। तेरे जैसे कानून के टटपुंजिये कंपाउंडरों को मैंने बहुत सीधा किया है।
जाने, हम तो दौलत के कुत्ते हैं, सुन के पहुंच जाते हैं। चाहे दौलत किसी कब्र में गड़ी हो या किसी हसीना की कमर से लिपटी हो। कह देना अपने उस राज से कि टोनी दौलत लेकर रफू चक्कर हो गए। बाय पूछी पूछी। रति, 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 राज, राज, राज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, राज। नहीं रति, जिंदगी के इस तूफान में मुझे अकेला छोड़ के मत जा रति, वरना मैं भी डूब जाऊंगा। राज, राज मेरी हिम्मत टूट गई, जिन पैसों को तुम मौत के मुंह से बचा कर लिया है वो कमीना टोनी उसे लूटकर चला गया। अब लगता है कि मैं जिंदा नहीं रहूंगी राज। नहीं रति, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। रति, तुम्हीं ने तो कहा था ना कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं हर मुश्किल को आसान कर दूंगा। वो लुटेरे कहीं भी होंगे मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। गरीबों के लूटे हुए पैसे मैं इतनी आसानी उनको हजम करने नहीं दूंगा। आओ रति, आओ। क्या हुआ, क्या हुआ इसे बेटे? दादी माँ, दादी माँ आप इसे संभालिए, मैं टोनी से पैसे लेके आता हूं। बराबर
अच्छा, अब मैं तुम्हें बाहर निकालूं? हाँ, तू मेरे बेटे जैसा ना, मेरे बेटे जैसा ना बेटा, मेरे को बाहर निकाल। नहीं जेकब, नहीं जेकब, याद है इसी तरह तुमने मेरे बाप को फांस कर जला कर मारा था? नहीं जेकब, आज मैं तुझे नहीं निकालूंगा, आज भगवान ने तुझे यहीं फांस दिया है। मैंने नहीं, वो सुअर, वो हरामी, वो हराना ना, उसने मेरे को बोला, मैंने उसको बोला देख ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर है, ईमानदार है, मत मार, वो नहीं माना, हरामी ने मार डाला, मेरे को बाहर निकाला। जेकब, ये देख
ये देख। मैंने मैंने नहीं किया, ये भी मेरे को राणा ने बोला। तू मेरे को बाहर निकाल, उसके बाद मेरे दांत निकाल दे, आंख फोड़ दे, मेरी टांग तोड़ दे, मेरे को बाहर निकाल। देख मेरे पास तेरी बेगुनाही का सबूत है। ले ले मेरे को बाहर निकाल, बाहर निकाल। जेकब आज तू जल के मरेगा और मैं तुझे नहीं बचाऊंगा। नहीं नहीं, नहीं मैं तुझे कभी बाहर नहीं निकालूंगा जेकब। इंजन चालू है, गाड़ी में आग लग जाएगी। दादी और महबूबा मेरे साथ इसी हेलीकॉप्टर में हैं। अब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं मौत बनकर तुम्हारे सर पर मंडा रहा हूँ। इसलिए लाओ वो दौलत मेरे हवाले कर दो। कभी नहीं, मेरे जीते जीतों में से छू भी नहीं सकते। भतीजे, राणा जिंदगी में हर दाव का तोड़ अपने साथ लेकर निकलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तो मेरे पास है, ये देखो। बड़ा आसान सा सौदा है, तुम ये दौलत मेरे हवाले कर दो और मैं इन दोनों को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। बोलो मंजूर है? मंजूर है। गाड़ी में पड़ा है। गाड़ी में? लेकिन एक शर्त है। क्या? हेलीकॉप्टर को पहले मैं ले जाऊंगा। गाड़ी में रुपया लेकर मैं जाऊंगा। ओके ओके। आप लोग ठीक तो है ना? हाँ
हमसे उस्तादी। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी चालाकी और तुम्हारी दादी को हमारा जवाब। बहुत ठोंस दिया करती थी तुम्हारी दादी के उनके साथ उनका भगवान है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारी दादी को भगवान के पास भेजने का इंतजाम कर दिया है, भगवान के पास। और सुनो, इस हेलीकॉप्टर के पंखे में टाइम बम लगा हुआ है जो कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाएगा, और उसके साथ ही साथ तुम सब। इस हेलीकॉप्टर का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, ये देखो। Thank you.
दादी माँ अब है तुम्हारा फैसला। राणा तू हमेशा कहा करता था ना कानून मेरे हाथ में है, एक गोली उस कानून को आजाद कराने के जवाब में। और सुन तुमने जिंदगी में हमेशा गलत कदम उठाए, उस गलती को सुधारने के जवाब में एक दूसरी गोली। अब तुम जिंदगी में कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकोगे। आईजी साहब ये मेरे पास राज के नाम गिरफ्तारी का वारंट है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तार तुम्हें करना चाहिए मिस्टर राणा, तुमने वर्दी पहनकर वर्दी का अपमान किया है। ये वर्दी मेडल लगाने के लिए है लेकिन तुमने लालच और छूट के धब्बे लगाए, गिरफ्तार कर लो। मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर राज, क्या आपके और आपके पिताजी के साथ नाइंसाफी हुई है। इस बैग में बैंक के सारे लूटे हुए पैसे हैं आईजी साहब, और इस कसेट में वो सारे सबूत हैं जो मेरे पिताजी को बेगुनाह साबित करेंगे। राणा साहब की जुबानी, उन्हीं की बेईमानी की दास्तान इस कसेट में है। थैंक यू।